आज से तकरीबन 520 साल पहले फेमस पेंटर लियोनार्डो द विंची ने दुनिया की सबसे रहस्यमयी और महंगी पेंटिंग बनाई थी, जिसे उन्होंने 1503 में बनाना शुरू किया था और वो पेंटिंग को बनाने में ही 14 साल लग गए थे। आज मैं आपको इस रहस्यमयी पेंटिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। मोनालिसा नाम की इस पेंटिंग को विंची ने काफी रहस्यमयी तरीके से बनाया था। इस तस्वीर की स्पेशलिटी है इसकी स्माइल। मोनालिसा की पेंटिंग में बने चेहरे की स्माइल हर एक एंगल से अलग ही दिखाई देती है। पहले ये पेंटिंग स्माइल कुछ ज्यादा दिखती है, फिर धीरे धीरे ये स्माइल कम हो जाती है और फिर ये पेंटिंग एकदम से सैड मोड में चली जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाने के लिए ही विंची को तकरीबन 12 साल लग गए थे। इस पेंटिंग की वजह से फ्रांस के आर्टिस्ट लुक मेस्परो ने पेरिस के एक होटल से छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान और उसकी सुंदरता के पीछे पागल था। और उसने अपनी सुसाइड नोट में ये साफ लिखा था कि वो मोनालिसा के प्यार में पागल है। अजीब पागल है। मोनालिसा पेंटिंग में जो लड़की है वो कौन है ये आज तक कोई नहीं जानता। विंची ने कहीं भी इस लेडी के बारे में जिक्र नहीं किया कि ये महिला कौन है। कुछ लोगों का मानना है कि इस पेंटिंग में विंची ने खुद को एक औरत के रूप में दर्शाया है। दोस्तों अगर आपने इस पेंटिंग को देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।